हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज नाइन्थ क्लास में हम करने वाले हैं चैप्टर वन से रिलेटेड कुछ स्पेशल। चैप्टर वन जिसका नाम है नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। चैप्टर वन में हम जो स्पेशल करने वाले हैं वो है एमसीक्यू टेस्ट सीरीज वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी, और आज है इसका पार्ट एक। जैसा कि नाम से ही आपको दिख रहा है, आज हम छोटे क्वेश्चन करने वाले हैं और ये उसका क्या है, पहला भाग है। कम्प्लीट चैप्टर ना करके हम दो ही एक्सरसाइज के छोटे क्वेश्चंस करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे 1.1 और 1.2 के। तो अपनी रफ नोटबुक और पेन लेकर तैयार हो जाइए। 1 by 1 क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं, आप उनका सॉल्यूशन करेंगे, करेक्ट आंसर को टिक करेंगे, देन जब मैं सॉल्यूशन बताऊं तब अपने आंसर को मैच करेंगे। वीडियो के एंड में आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर करेंगे कि आपके टोटल कितने मार्क्स आए, और ये भी बताएंगे कि आपको ये सीरीज कैसे लगी। तो ये रहा क्वेश्चन वन आपके सामने। क्वेश्चन वन देखिए बेटा क्या है। द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? जीरो है, एक है, दो है या -1 है? ठीक है, अब हम बात करते हैं नेचुरल नंबर्स प्राकृत संख्याओं की। हमें पता है काउंटिंग करने वाले नंबर्स, काउंटिंग करने वाले नंबर्स यानी कि जहां से हम गिनती स्टार्ट करते हैं उन नंबर्स को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, प्राकृत संख्याएं बोलते हैं। और काउंटिंग के लिए हमें बोले तो हम कहां से स्टार्ट करते हैं, वन से, 1, 2, 3, 4 ऐसे काउंटिंग करते हैं ना, कहां से स्टार्ट करते हैं, एक से स्टार्ट करते हैं। तो बात यहाँ क्या हो रही है, स्मॉलेस्ट सबसे छोटी की। तो सबसे छोटी आपकी प्राकृत संख्या क्या आएगी, 1 आएगी, ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटा क्या है। द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। जब हम बात करते हैं होल नंबर्स की, पूर्ण संख्याओं की, तो हम कहां से शुरू करते हैं, नेचुरल नंबर्स में हम एक नंबर और ऐड कर देते हैं, वो क्या होता है, जीरो। अब जो ये आपके पास ग्रुप बना है ये किसका बन जाता है, होल नंबर्स का, पूर्ण संख्याओं का। ठीक है, कब, जब नेचुरल नंबर्स प्राकृत संख्याओं में जीरो को भी हम शामिल कर देते हैं, देन। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, आपके पास जीरो आ जाएगी, शून्य आ जाएगी, ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड को डिस्कस करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए बेटा क्या है। रूट टू इज ए, वर्गमूल दो क्या है आपके पास। रैशनल नंबर एक परिमेय संख्या है, होल नंबर एक पूर्ण संख्या है, इंटीजर्स पूर्णांक है, इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम 1 by 1 देखते हैं। रैशनल नंबर क्या होती है बेटा, कोई भी आपके पास संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जा सके उसे हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं। जहाँ पे P भी आपका इंटीजर होना चाहिए, Q भी आपका इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर मतलब पूर्णांक, ये नंबर्स कंप्लीट होने चाहिए, प्लस या माइनस के हो सकते हैं, जैसे कि -2/3, 8/9, ये आपके पास क्या है, रैशनल नंबर्स हैं, परिमेय संख्याएं हैं। होल नंबर्स हमने अभी क्या, होल नंबर्स कहाँ थे, पूर्ण संख्याएं क्या थी, 0, 1, 2, 3, ये सारी आपके पास क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं। पूर्णांक की बात करें, इंटीजर्स की बात करें, तो ये तो होते ही हैं, साथ में माइनस के और शामिल हो जाते हैं, ये सेट आपके पास क्या कहलाता है, इंटीजर्स का, पूर्णांक का। बात आती है इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्याओं की, जो इनमें से किसी में भी नहीं आता है, ना तो नेचुरल होता है प्राकृत संख्या होती है, ना तो होल होता है पूर्ण संख्या होती है, ना इंटीजर्स होता है पूर्णांक होता है। ये डिनोट करते हैं नेचुरल नंबर्स को एन से, होल नंबर्स को डब्ल्यू से, पूर्णांक इंटीजर्स को जेड से, ना ही आपके पास क्या है, रैशनल्स है, परिमेय संख्या है। तो अब जो बच गए, जो संख्याएं परिमेय नहीं होती उन्हें क्या कहते हैं, अपरिमेय होती हैं, और ये आपकी किस रूप की होती हैं, वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, इस टाइप की जो आपकी संख्याएं होती हैं वो आपकी क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो वर्गमूल 2 भी इसी कैटेगरी का है, वर्गमूल 2 आपके पास क्या आ जाएगा, इरेशनल नंबर आ जाएगा, अपरिमेय संख्याएं। ये ना तो रैशनल नंबर होगा, ना होल नंबर होगा, ना इंटीजर्स होगा,
ये आपके पास क्या आ गई, अपरिमेय संख्या। अब क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, रूट 3, रूट 5, रूट 6, रूट 7, रूट 10, रूट 11, रूट 12, ये क्या है सारी। अभी अभी हमने कहा ये किस कैटेगरी की हमें दिख रही है, ये सारी इरेशनल नंबर्स हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं। ऑप्शंस के हिसाब से देखें ये रेशनल नंबर परिमेय संख्याएं तो है नहीं, क्योंकि हम इन्हें बटे में नहीं लिख सकते, पी बटे क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जहाँ पे पी और क्यू आपके पास क्या है, पूर्णांक है, और क्यू नीचे वाला जीरो नहीं है, इस फॉर्म में हम इसे नहीं लिख सकते। हॉल नंबर पूर्ण संख्याएं भी नहीं है, ये 0, 1, 2, 3, 4 ये इस टाइप की भी नहीं है। पूर्णांक ये ऐसे भी नहीं है कि -1, -2, -3 इस टाइप की हो, ये ऐसे भी नहीं है। तो ना तो ये, ना ये, ना ये, ये किस टाइप के हैं, ये आपके पास इरेशनल नंबर हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बेटा क्या है आपके सामने, फॉर रिप्रेजेंटिंग रूट 2 ऑन रियल नंबर लाइन वी यूज, वास्तविक संख्या रेखा पर वर्गमूल 2 का स्थान निर्धारण के लिए इनमें से हम किसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, पहले तो हम इनको हल करके देख लेते हैं कि इनका आंसर क्या आ रहा है। ये रूट है, एक कंप्लीट रूट है, टाइप करते टाइम कीपैड में इतना ही आता है, तो आप इसको पहले तो वर्गमूल को कंप्लीट मानेंगे। ठीक है, कई बार हम क्या करते हैं, आंसर्स ऑप्शंस को देख के और हम करेक्ट आंसर को चूज कर लेते हैं। इनको हल करें जरा, 2 और 2 को 2 बार गुना करेंगे 4, और 1 की भी 2 टाइम मल्टीप्लाई होगी 1, ये क्या आ गया आपके पास, रूट 5। इधर सॉल्व करेंगे तो 1 + 1 √2, इधर सॉल्व करेंगे 1 - 1 √0, और इधर सॉल्व करेंगे तो 2 की 2 बार गुना 4, 4 में से 1 गया √3, ये आया है। तो हम आंसर से ही सीधा बता सकते हैं कि हमारा ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। और देखिए जरा कि संख्या रेखा पर कैसे दिखाएंगे, इसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। नंबर ले लेते हैं 0, 1, 2, 3 कुछ भी, अब इसको क्या हम मानेंगे। देखो पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हिंदी में बात करें तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो ये हमारी इसी फॉर्म में ही है, आधार क्या लेंगे 1 और लंब क्या लेंगे 1। तो 0 से लेकर 1 तक हमने आधार ले लिया। अब पाइथागोरस थ्योरम तो हमारी किस में लगती है, समकोण त्रिभुज में लगती है। तो 1 पे हमने 90 डिग्री का कोण बनाया, इसको भी 1 काटा और दोनों को मिला दिया, आधार भी हमारे पास 1 हो गया, लंब भी हमारे पास 1 हो गया, और इनको मिलाएंगे तो ये क्या आएगा, √2। पर हमें तो संख्या रेखा पर जाइए, तो यहाँ पे रखे हम यहाँ तक प्रकार खोल के इसे नीचे तक चाप ले आएंगे, और जो पॉइंट आएगा वो आपका क्या आएगा, √2 आएगा। ठीक है, आप इसको डिटेल में समझने के लिए मेरे YouTube चैनल पर इसकी वीडियो है, उसे भी ध्यान से आप देख सकते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, वो भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है बेटा, फॉर रिप्रेजेंटिंग √17 ऑन द रियल नंबर लाइन हम वी यूज, अब हमने क्या दिखाना है, वास्तविक संख्या रेखा पर हमने वर्गमूल 17 को दिखाना है। तो पहले हम इन्हीं को सॉल्व करके देख लेते हैं, ये वर्गमूल क्या है आपके पास, पूरा पूरा है, ये ध्यान रहे। इनको सॉल्व करते हैं, बल्कि इनको सॉल्व करने से हमें पता है हम इसमें कौन सी थ्योरम लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, यानी कि कुछ टर्म्स का वर्ग आएगा, स्क्वायर आएगा, और उनको क्या करना है, ऐड करना है। तो माइनस वाला हम नहीं लेंगे, ऑप्शन बी खत्म हो गया, माइनस वाला हम नहीं लेंगे, ऑप्शन डी भी खत्म हो गया। ऑप्शन ए और सी में से देखिए, हमने इस फॉर्म में लेके आना है। देखिए तो हम क्या करेंगे, आधार को हम क्या ले, दोनों में से आधार को हम नंबर लाइन पे हमने लेना है,
और नंबर लाइंस पे हमारे पास क्या होती हैं, कंप्लीट डिजिट होती हैं। ठीक है, तो ये तो आपके पास क्या है, रूट 13 है, ये ऑलरेडी कंप्लीट नहीं है, इसके लिए फिर हमें कुछ कंप्लीट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो कंप्लीट डिजिट हमने लेनी है, वो क्या हम लेंगे, 4, और 4 के ऊपर 0 से लेकर 4, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, उसे 1 काटेंगे और मिला देंगे, और इसे ले जाएंगे नंबर लाइन तक, और ये आपका हो जाएगा क्या, √17। ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। आ ऑप्शन सी से भी जाएगा, बट जब हम नंबर लाइन पे, जब ये ऑप्शंस में से पूछ रहा है कि स्थान निर्धारण करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, तो जिसका हम डायरेक्ट यूज कर पा रहे हैं हम आंसर वो देंगे। इससे भी निकल आएगा, पर इससे निकालने के लिए पहले आपको पहले वर्गमूल 13 निकालना पड़ेगा और फिर ये बनाना पड़ेगा। कैसे बनाते हैं ये आपके पास, अगेन मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाल रखी है, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि एक बनाने के बाद दोबारा कैसे बनाते हैं। वहां पे वर्गमूल 3 में है ऐसा, वर्गमूल 3 के लिए पहले वर्गमूल 2 को बनाया जाता है और फिर वर्गमूल 3 को बनाया जाता है। ऐसे ही ये डायरेक्ट नहीं आएगा, पहले वर्गमूल 13 को बनाया जाएगा और फिर आगे बनेगा वर्गमूल 17। तो ऑप्शन के हिसाब से इसने कहा कि वर्गमूल 17 का स्थान निर्धारण करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, हम करेंगे ऑप्शन ए का प्रयोग। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बेटा क्या है, हाउ मेनी रेशनल नंबर्स आर बिटवीन 1 एंड 2, एक और दो के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होंगी। अब हमें पता है किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में आप कितनी भी इनफाइनाइटली मैनी अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में, किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में आप ढेर सारी परिमेय संख्याएं, ढेर सारे रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा, इनफाइनाइटली मैनी अपरिमित रूप से अनेक। क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बेटा क्या है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स ऑफ 3/5, 3/5 के तुल्य परिमेय संख्या निकालिए। तुल्य परिमेय संख्या देखिए क्या होता है, मान लो 3/5 ही है, मैं ऊपर भी 2 से गुणा करूं, नीचे भी 2 से गुणा करूं, तो क्या आएगा, 6/10। अब 6/10 3/5 की क्या है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है, तुल्य परिमेय संख्या है, यानी कि इसको काटने पर, इसको अपने सिंपलेस्ट रूप, सरलतम रूप में लाने पर यही आ जाए। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शंस हैं, हम इनको इनके सरलतम रूप में लेके आएंगे और देखेंगे 3/5 किसका आता है। ऑप्शन ए क्या है, 30/50, एक है 9/20, एक है 30/55 और एक है 33/50। अब ये तो कट ही नहीं रहा, और इसको सिंपल करने पर हमारा क्या है, 3/5 नहीं आया, तो ये तो आंसर है नहीं। सिमिलरली ये भी नहीं कट रहा किसी भी एक टेबल से, तो ये भी आपका क्या है, आंसर नहीं है। ये काटे, यस, ये दोनों 5 से कट रहे हैं, यहाँ पे 11 और इसको 5 से काटेंगे 6। क्या आया 3/5, नहीं आया, तो ये भी आपके पास ऑप्शन गलत है। सिर्फ आपके पास फर्स्ट ऑप्शन बचा है जो सही होगा, क्योंकि बाकी तीनों तो गलत हो ही चुके हैं। देखो 10 से काट दें या 0 से 0 कट गई, क्या आ गया, 3/5। हमें यही निकालना था कि इसका सिंपलेस्ट रूप क्या होगा, या फिर 3/5 की इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, वे कौन से एक नंबर से ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करें कि आंसर आ जाए। तो ऑप्शन ए आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा। दोबारा देखिए हमने क्या किया, हमें 3/5 का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालना था, तुल्य परिमेय संख्या निकालनी थी और 4 ऑप्शन थे। हमने उन चारों ऑप्शन को उनके सरलतम रूप, सिंपलेस्ट रूप में लेके आए, और जिससे भी 3/5 आ गया, वही आ गया हमारे पास आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 देखिए बेटा क्या है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ऑफ 3/7। सिमिलरली इस क्वेश्चन को फटाफट करेंगे, आप वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को जल्दी निकालिए, और फिर जब मैं आंसर बताऊं तो आंसर को मैच करेंगे। ठीक है, देखिए जरा हमने क्या निकालना है, हमने 3/7 का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, तुल्य परिमेय संख्या निकालनी है। अब इनमें से किसको सिंपलेस्ट बनाए, किसको सरलतम बनाए कि हमारा 3/7 आ जाए। एक क्या है आपके पास, 12/28, एक क्या है आपके पास, 12/21, एक क्या आपके पास, 15/28,
और एक क्या आपके पास 18/35। ये तो शायद किसी टेबल से नहीं कट रहे हैं, ये किसी टेबल से नहीं कट रहे हैं, ये यही है। क्या 3/7 की फॉर्म आई? नहीं आया तो ये आंसर तो कट गया। ठीक है, ये देखिए जरा किससे कट रहे हैं, ये भी दोनों किसी टेबल से नहीं कट रहे हैं, तो ये भी आपके पास क्या है 3/7 नहीं है। अब ये किससे कट रहे हैं, ध्यान से देखें तो ये 3 से कट रहे हैं, 3/4 पे और 3/7 पे, ये तो क्या आ गया 4/7 आ गया, तो ये भी आपके पास ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन फर्स्ट ए आपके पास क्या आ गया, करेक्ट ऑप्शन आ गया। ठीक है, सिंपल सा ही था, हमने ऑप्शंस को चारों ऑप्शंस को सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके गए और हमें पता चल गया कि 3/7 किससे आएगा। ठीक है, यानी कि 3/7 की इक्विवेलेंट रेशनल नंबर तुल्य परिमेय संख्या क्या आएगी। और अब आपके सामने आ रहा है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है, हाउ मेनी रेशनल नंबर्स आर बिटवीन इन गिवन टू रेशनल नंबर्स। आपको दो दी गई परिमेय संख्याएं हैं, आपको दो परिमेय संख्याएं दे दी हैं और आपको बताना है कि उनके बीच में और कितनी परिमेय संख्याएं होंगी। अभी क्वेश्चन किया था उसमें आपको नंबर्स दे रखे थे 1 और 2, ध्यान से देखें तो ये भी आपके पास रेशनल नंबर है, बटे में लिख सकते हैं ना हम इनको। ठीक है, तो इस बार इसने क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करके दे दिया कि दो रेशनल नंबर्स हैं, दो बटे वाली संख्याएं हैं, उनके बीच में कितनी बटे वाली संख्याएं हो सकती हैं। हमें पता है दो नंबर्स के बीच में ढेर सारी अपरिमित संख्याएं होती हैं, इनफाइनाइटली मैनी, अपरिमित रूप से अनेक। और ऐसा हमने क्वेश्चन भी किया था, उससे हमें पता भी लग रहा था कि ऐसे कितनी भी आपकी क्या निकाल सकते हो, आप अपरिमित संख्याएं निकाल सकते हो दो नंबर्स के बीच में। ठीक है, जब भी अगर दो रेशनल की बात कर रहा है तब भी हम कितनी भी आपके पास रेशनल नंबर परिमेय संख्या उनके बीच में निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है, रेशनल नंबर बिटवीन 3 और 4, 3 और 4 के बीच की परिमेय संख्या बतानी है क्या होगी इनमें से। ठीक है, 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में हमें पता है दो मेथड किए थे हमने, ज्यादा संख्याएं निकालनी हो तो उतने से ही ऊपर और नीचे गुना कर सकते हैं, और एक तरीका क्या था, और एक तरीका क्या था, इन दोनों को जोड़ दो 2 से भाग कर दो, तो 3+4/2, 3 और 4 को जोड़ेंगे 7/2 आपका आंसर आएगा। यस, ये आपके पास क्या है, आपका आंसर है 3 और 4 के बीच में, ये एक परिमेय संख्या है। ध्यान से देखें तो 7 और 2 को भाग करेंगे तो 3 point something आएगा, तो होगी ना 3 और 4 के बीच में, यहाँ पे भी ये लागू नहीं हो रहा, यहाँ पे भी ये लागू नहीं हो रहा, यहाँ पे भी ये लागू नहीं हो रहा। बट हम परिमेय संख्या निकालते कैसे हैं, दोनों नंबर्स को जोड़ लिया और 2 से भाग कर दिया, 3 और 4 के बीच में एक परिमेय संख्या आ गई 7/2। अब इन दोनों के बीच में से फिर से निकाल सकते हैं, इन दोनों के बीच में से हम फिर से परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, बट हमें तो अब क्या था 3 और 4 के बीच में ही निकालनी थी, तो हमने 3 और 4 को जोड़ दिया और 2 से भाग कर दिया 7/2। ऑप्शन नंबर सी क्या आ गया, इन दोनों के बीच में एक परिमेय संख्या आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेशनल नंबर। निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, परिमेय मतलब जिसको हम बटे में नहीं लिख सकते। देखिए जरा, 0 परिमेय संख्या है क्योंकि 0 को हमने ये लिख दिया बटे में। वर्गमूल 4, रूट 4 का वैल्यू हमें क्या पता होता है, 2 होता है, 2 को लिख सकते हो 2/1, लिख दी ये भी बटे में, ये भी परिमेय संख्या होगी। वर्गमूल 16, रूट 16 की वैल्यू क्या होती है, 4/1, इसको भी लिख दिया बटे में, ये भी बटे में लिख दी, ये भी बटे में, ये भी बटे में, और तीनों आपके पास क्या होगी, परिमेय संख्याएं होगी। हमें क्या बताना था, नहीं है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। वर्गमूल में है तो ये आपके पास क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकल रहा। वर्गमूल में तो ये भी थे पर इनका पूरा पूरा वर्गमूल निकल रहा है, तो ये आपके पास कैसी है, परिमेय संख्याएं हैं। जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकल रहा वो आपकी क्या आ गई, अपरिमेय संख्या। और हमें यही बताना था कि कौन सी रैशनल नहीं है, ठीक है, परिमेय संख्या नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आएगा यहाँ पे, इज एन इरेशनल नंबर। इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय है। बिल्कुल इजी है, हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं जरा।
वर्गमूल 4 की वैल्यू क्या है? 2। 2 को हमने क्या लिख दिया? बटे में। बटे में लिखते ही ये कैसी होगी आपके पास? रैशनल नंबर होगी, परिमेय हो। ठीक है, और देखिए वर्गमूल 100, इसकी वैल्यू भी क्या है? 10। 10 को लिख सकते हैं 10/1। और जैसे ही कंप्लीट अक्षर को बटे में लिख दिया, ये आपके पास क्या आ गई? रैशनल परिमेय। ठीक है, यहाँ पे आप इसको देखो जरा, माइनस में और 0.64 का रूट निकालोगे तो ये आएगा 0.8 8/64 ये आएगा, और पॉइंट हटाएं तो ये आ गया आपके पास -8/10। माइनस में हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बटे में है तो ये संख्या भी आपके पास क्या हो गई? रैशनल होगी, परिमेय होगी। तीन तो हम रैशनल ढूंढ ही चुके, मतलब जो बच गई वो क्या है आपके पास? अपरिमेय संख्या है। रूट 18, 18 का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं आता है, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी कंप्लीट टर्म नहीं बचेगी, तो ये आपके पास क्या आ गया? अपरिमेय संख्याएं आ गई। बाकी तीनों कैसी हैं आपके पास? परिमेय है, रैशनल है, बी क्या है आपके पास? इरेशनल है। अब क्वेश्चन नंबर 14 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स नॉट लाइन इन बिटवीन 4/5 एंड 9/5। देखो 4/5, 4/5 और 9/5 के बीच में कौन सी संख्या नहीं होगी? ध्यान से देखें तो सबके बटे में 5 है, तो सीधा ही देख लो इनके बीच में क्या आएगी? 5/5 आएगी, 6/5 आएगी, 7/5 आएगी और 8/5 आएगी। इनके बीच में तो यही आएंगी ना। अब इसने कहा है कि नहीं वाली कौन सी है? 5/5 भी आ गई, 6/5 भी आ गया है, 8/5 भी आ गया है, 3/5 इनके बीच में नहीं आएगी, यही आपके पास ऑप्शन था। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। ठीक है, दो संख्याओं के बीच में हमें बताना था कि कौन सी नहीं आएगी। पहले हमने देख लिया कि सबके बटे में 5 है, तो हम डायरेक्ट देख सकते हैं कि इनके बीच में कौन सी संख्याएं आ रही हैं। ठीक है, और फिर वहां से हमने चेक कर लिया कि हमारा 3/5 इसमें नहीं आ रहा, तो ये इन दोनों के बीच में नहीं होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए अब क्या है। अगेन ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, फटाफट करिए इस क्वेश्चन को। क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर नॉट लाइन इन बिटवीन 2/7 एंड 9/7। 2/7 और 9/7 के बीच में कौन सी संख्या नहीं होगी? क्या है? 2/7 है और 9/7 है, सबके बटे में 7 है, तो देख लो इनके बीच में क्या है? या तो 3/7 आएगी, या 4/7, या 5/7, या 6/7, या 7/7, या फिर 8/7, इनके बीच में या इनमें से कोई संख्याएं आएगी। अब नहीं की बात हो रही है, 4/7 आ रही है, 5/7 आ रही है, 8/7 आ रही है, 11/7, 11/7 नहीं आ रही, तो यही आपके पास क्या है? आंसर है। तो बेटा ये 15 क्वेश्चन थे, और यही क्वेश्चन आपके पास लगभग एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 में से बनते हैं। इनके अलावा क्वेश्चंस बनते भी नहीं हैं, आपको जितने भी टाइप के पॉसिबल थे वो सारे ही क्वेश्चन बता दिए हैं। ये एमसीक्यू सीरीज मेरे चैनल पर जारी रहेगी, और मेरे यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि वीडियो आते ही नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सेट एग्जाम के और अपने मैथ्स के सिलेबस की बहुत अच्छी तैयारी कीजिएगा, क्योंकि आपका एग्जाम है सेट का, तो उसके लिए मेरी तरफ से बेस्ट विशेस बेटा, ऑल द बेस्ट। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।